नाजिया, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लाओ तुम्हारा बिस्तर कर दूं। अजी क्या हो गया? ठीक हो जाओगे, तुम घबराओ मत। अरे भाभी, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ अभी। नाजिया, मुझे पता है मैं ठीक नहीं होने का हूँ, मगर मुझे इस बात का गम है कि तू और ये बच्चे मेरे बाद कैसे करोगे। मुझे ये ही गम खाए जा रहा है। बे भाई, डॉक्टर गोटी की दुकान कौन सी? बराबर में। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब जरा चलना। क्या बात हो गई? एक मरीज है, बहुत हालत खराब है उसकी। सीरियस है? हाँ, बहुत सीरियस है। चलो तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी आ। नाजिया, तू रो रही है ना? तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें इस तरह बर्बाद मत कर। तुझे इन बच्चों को संभालना है, मेरे बाद इनका ख्याल रखना। अजी क्या हुआ? अजी क्या हुआ? सुनो तो सही, अजी क्या हुआ? अजी कुछ बोलो तो सही। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हमें क्या हो गया अब्बू को? हमें क्या हो गया अब्बू को? अरे मेरे बच्चे अब कैसे होगी? अरे भाभी क्या हो गया? अरे भाई जान, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। अरे भाभी, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या होगा हमारा? इन बच्चों को क्या होगा? या अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया? पता नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा रोना ही रहे इनके साथ। ये तो कोई करने वाला भी नहीं है। बाप का साया उड़ गया, इनका क्या होगा बच्चों का? बच्चों घबराओ मत, अल्लाह सब सही करेगा। चलो हम ही कुछ करते हैं। चलो अल्लाह, तू भी ईद के टाइम पे उठा ले गुता। अजी उठो तो सही, अजी उठ जाओ। अजी तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ के? अल्लाह मेरे, अरे मेरे बच्चों, अरे बच्चों, तुम्हारे अब्बू।
तो चले गए। अम्मी भूख लग रही। अम्मी भूख लग रही। अम्मी मुझे भूख लग रही बहुत जल की। बेटे क्या दूँ खाने को तुम्हें, घर में तो कुछ है नहीं। जब से तुम्हारे अब्बू गए हैं जब से तो हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। अल्लाह से मांगो बेटा, अल्लाह देगा। अल्लाह खाना दे दे हमें। अल्लाह हमें खाना दे दे। वो ये अम्मी ने दिया खाना। अम्मी अल्लाह ने तो खाना दे दिया। बेटी घबराइयो मत ना, अल्लाह मदद करेगा। कुछ मैं मदद करूंगी अपने पास से, बच्चों का भी ध्यान रखूंगी। राहे खुदा में दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, मोहताज गरीब को दे दे। बेटा कुछ दे इस फकीर को, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करेगा। इस फकीर को दे, रमजान का महीना चल रहा है। बेटा दे फकीर को दे बच्चा। बेटा तू जीता रहे, तेरी लंबी उम्र हो, तेरे माँ बाप की लंबी उम्र हो, तू फूले फले, तू हर मकसद में तुझे कामयाबी मिले, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाए। अम्मी भैया को क्या हो रहा? बेटे इसकी तबीयत खराब हो रही। अम्मी अब हमारा भैया कब मरेगा? अम्मी जब अब्बू मरे थे जब तो खाना सब देने आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? अरे मेरी बच्ची ऐसे नहीं बोल दे, हमारा भैया ठीक हो जाएगा। अम्मी फिर लोग खाना लेकर आएंगे, हम दो चार दिन तो पेट भर के खा लेंगे। या अल्लाह किसी को भी ऐसे दिन मत दिखाइए जैसे मुझे दिखाए हैं, और मेरे बच्चों को इतना परेशान ना रखे। अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मौला के नाम पे दे दे, राहे खुदा में दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। बच्चा कुछ दे इस फकीर को। बाबा मैं तुम्हें क्या दे दूँ खाने को, हम तो खुद इतने परेशान हैं। ये बच्चा बीमार है, इसे दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। बच्चा फकीर को देगी गरीब को देगी, अल्लाह तेरी सुनेगा। बाबा तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे पास इसे दिखाने के लिए भी पैसे देखो नहीं। बच्चा तकलीफ दूर करने वाला तो अल्लाह है, हम तो केवल एक जरिया हैं, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए उस मौला से उस परवरदिगार से दुआ कर सकते हैं। बाबा तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करो। ले बेटी हम तेरे लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह ठीक है बच्ची, हम चलते हैं बच्ची। अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, राहे खुदा में दे। अब्बू मुझे नई साइकिल लाना।
अब्बू मुझे खिलौने लाना। अब्बू मुझे नई साइकिल लाना। अब्बू मुझे खिलौने लाना। मुझे नई साइकिल लाना अब्बू। बेटे दोनों के लिए ला के दूंगा, तुझे साइकिल ला के दूंगा और तेरे लिए खिलौने ला के दूंगा बहुत सारे, ठीक है? अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अब्बू कितनी अच्छी साइकिल लाए हो। अब्बू ले आए मेरे लिए खिलौने। ले बेटे तेरे लिए ये साइकिल ले आया और ले ये खिलौने, ले जा वहाँ, ले भाई ले जा, इधर को आ, ठीक है ले जा, उधर ले जा। अब्बू कितने अच्छे हैं। बच्चों को खुश देख के कितनी खुशी होती है। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे, हमेशा हंसता खेलता रहे मेरा परिवार। हाँ भाई इधर को आ। सबक सुनाओ। आज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा छोटा सीन। ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, तुम सब इस बच्चे जैसा बनो। बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा पढ़ाई में चल रहा है। ये बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता है, ऐसे बच्चे बन जाओ, मेहनत करके पढ़ो। अरे सुनियो। हाँ क्या बात है। तू कितने खराब कपड़े पहनना, हमारे कपड़े देख, हमारे कितने अच्छे, हमारे पापा एक से एक कपड़े पहनावे हमें। और तेरे पापा तुझे कपड़े ही नहीं बनाते। तेरे से अच्छे तो मेरे कपड़े तेरे 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 कपड़े फट रहे ऐसे। मेरा पुत्र अच्छे कपड़े लावे ऐसे। हम तो गरीब हैं, हमारे तो कपड़े ऐसे ही ठीक हैं। अम्मी देखो बच्चा ऐसे क्या है, तेरे फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, अम्मी तुम मेरे कपड़े कब को बनाओगी? नहीं बेटे तू रोवे मत, मैं बनाऊंगी तेरे कपड़े, तू चुप हो जा। बेटे हम गरीब हैं, बच्चों का तो छेड़ने का ही काम है। अम्मी मेरा अब्बू कहाँ गए? बेटे मैं अल्लाह के चले गए, मुझे उनसे बात करनी है। बेटे वहाँ से तो कोई भी नहीं आता, जब एक बार चले जावे। मुझे उनसे बात करनी, मिलवाओ उनसे, मुझे अल्लाह का नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा। बेटे उनका नंबर कहाँ से दूँ मैं तुझे? कहीं से भी दो, मुझे तो चाहिए, मुझे तो अल्लाह का नंबर दो, मुझे अब्बू से बात करनी है। मुझे तो अल्लाह का नंबर दो, मुझे अब्बू से बात करनी है। बेटे अल्लाह का नंबर नहीं होता, मैं तुझे कहाँ से दूँ? तो चाहिए, ऐसे नहीं बोलते। मुझे तो चाहिए, कहीं से भी ला के दो, मुझे चाहिए। बेटे अल्लाह का नंबर जब तू कह रहा है तो 24434 है। मुझे फोन दो, मैं फोन मिलाऊंगा। बेटे वहाँ फोन नहीं करते। मुझे फोन दो, मैं फोन मिलाऊंगा, फोन दो मुझे। ले तू तो बाज आने गई नहीं, ले मिला। अम्मी ये तो मिल रहा ना फोन। बेटे लाए हो तो मुझे दे, जब तू पढ़ने जाएगा ना तो तू अपने मौलवी साहब से पूछना, वे बताएंगे तुझे। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब क्या नाम है? अल्लाह का नंबर न मिला। अल्लाह का नंबर? बेटे किसने बताया तुझे अल्लाह का नंबर? अम्मी ने। तेरी अम्मी ने बताया? अच्छा क्या नंबर बताया? 24434। हैं 24434। हाँ बेटे ये ऐसे नहीं मिलने का नंबर। क्यों?
24434 नंबर ऐसे नहीं, जैसे फजर में 2 फरज पढ़े जाते हैं और जोहर में 4 फरज, ये हो गए 24, और असर में 4 फरज, मगरिब में 3 फरज और ईसा में 4 फरज, 24434। तो 24434 नंबर ऐसे बनता है। और अल्लाह से बात नमाजी, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी, नमाज ही अल्लाह से बात करने का जरिया है। अगर अल्लाह से बात करनी है तो नमाज पढ़नी है। ठीक है मौलवी साहब, जाओ। अम्मी मौलवी साहब ने नुकाया, क्या नाम है, अल्लाह से बात करनी है तो नमाज पढ़ो। अच्छा बेटा, चल तो ठीक है, तू भी नमाज पढ़ा कर, हमें भी नमाज पढ़ने जा रही। अजान हो गई, चलो बेटा दोनों नमाज पढ़ते हैं, आओ।